हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो देखिए, आज का वीडियो जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका करियर का सवाल है। ठीक है, और कई बच्चे की जो भी चीज़ें होती हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और अंत में जो है उनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिससे कि उनको परेशानी होती है। तो सबसे पहली बात जो है वो मैं यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि देखिए, आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो, यदि कोई बच्चे जिनका BSTC में एडमिशन हो गया है, ठीक है, और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, रेगुलर जो है BA BEd जो है उसमें भी एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि दो रेगुलर डिग्री जो है वो आप एक साथ ले रहे हो, तो ये जो है वो सही नहीं है, क्योंकि बाद में जब चेक होते हैं आपके सर्टिफिकेट, जब आपका सिलेक्शन होता है, तब आपको जो है वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, तो पूरी की पूरी मेहनत जो है वो आपकी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर दो डिग्री जो है वो एक साथ आप कब ले सकते हो, जब एक जो है वो रेगुलर हो और दूसरी प्राइवेट हो, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ BSTC में एडमिशन आपने ले लिया है और उसके साथ आप BA BEd जो है वो भी कर रहे हो, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। पहले आप BSTC एडमिशन, उसमें एडमिशन ले लेते हो, BA BEd कर लेते हो, रीट की तैयारी करते हो, काफ़ी टाइम हो जाएगा। फिर रीट में सिलेक्शन होने के बाद आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे, वहाँ भी सिलेक्शन हो जाता है, और अंत में जाकर जो है वो आप बाहर हो जाओगे, डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं TSP एरिया के, जो लेवल वन का भी सिलेक्शन हुआ जिन बच्चों का, तो वहाँ कई जो है वो फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो मिले, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों ने क्या किया, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लिए जो कि फर्जी थे। तो टीम जो है वो तैयार की गई थी जो कि डिग्री सर्टिफिकेट की जांच कर रही थी, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट बनाए, तो उनको वहाँ से बाहर कर दिया। अब देखिए, आपने इतनी मेहनत जो है वह की इन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए, इतना समय दिया, इतनी भागा दौड़ी आपने की, और अंत में क्या हुआ, आपको वहाँ से बाहर कर दिया गया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जो चीज़ सही है उसी को लेकर आगे काम करना है, ठीक है, ताकि आपकी मेहनत भी खराब ना हो सके। तीसरी बात यह है कि कई जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रीट जो है उसकी भी हम तैयारी करते रहे, और हम जो है एक नौकरी तो कर ही रहे हैं, यानी गवर्नमेंट सर्विस तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम रीट की तैयारी भी कर लेंगे, और हमारे जो है पास के जो हमारा जिला है वहीं पर हमारा यदि सिलेक्शन हो जाता है, हमें नौकरी मिल जाती है, तो हम उसको भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, यानी कि एक नौकरी करते हुए बिना तथ्यों को बताए, इनको छुपाए, ये सब अपराध होता है, ये सब अपराध माना जाएगा। आप एक नौकरी करते हुए दूसरी नौकरी नहीं ले पाओगे, यदि आप लेना चाहते हो तो उस नौकरी से आपको जो है रिज़ाइन करना पड़ेगा, वहाँ से NOC लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आप सिलेक्शन की दौड़ में आ सकते हो, क्योंकि अभी भी ये चीज़ जो है वो सामने आई है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि रीट जो है पता नहीं कितना लंबा प्रोसीजर चलेगा, एग्ज़ाम हम दे लेंगे, नौकरी लगेगी जब जबकि हम देख लेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि नौकरी रहते हुए आपने इन चीज़ों को छुपाया और आपकी आपका सिलेक्शन रीट में भी हो गया, तब आपको परेशानी आगे चल के होगी, ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा अपराध भी माना जाता है। चौथी बात यह है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो जो आरक्षण का प्रमाण पत्र है उसे आप तैयार करवा लें, ठीक है, क्योंकि आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है उससे पहले जो है आरक्षण का प्रमाण पत्र तैयार होना चाहिए, अन्यथा बाद में जाके जो है वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये ऐसी गलती हैं जो कि पढ़ाई आप करते हो, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी आपका करियर समाप्त कर सकती हैं। तो इन सभी बातों का आप बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ बातें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है।
तो चलिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई, एकदम सीधे तरीके से, बहुत ईमानदारी के साथ। और जब भी फॉर्म निकलेगा, आप अच्छे से उसको भरिएगा, जैसे भी आपके सर्टिफिकेट हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।